एवरीवन, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं जो गोडसे मूवी आ रही, गांधी गोडसे पठान के सामने आ रही है। वैसे उसके ट्रेलर को इतना ज़्यादा तो रिस्पांस नहीं मिला, अराउंड 1 लाख समथिंग उसके व्यूज़ हुए थे जब मैंने देखा उसे लास्ट टाइम पर। सो खैर, ट्रेलर एंड ट्रेजर तो सेकेंडरी मैटर है, बहुत सारी मूवीज़ के ट्रेलर्स और ट्रेजर्स हैं, बट वो तो फाइनली मालूम चलेगा कि कॉन्टेंट कैसा है, क्योंकि इसका भी कंटेंट जो है काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। आई नो कि पठान ने बहुत ही कंट्रोवर्शियल पठान भी हो गई है, नाम से इतना कंट्रोवर्शियल हो रहा है, बट गांधी गोड से भी कम कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट नहीं। अब ये देखते हैं कि इस मूवी ने तो ट्रेलर जो है बड़ी खामोशी के साथ रहा है इसका, बट देखना ये होगा कि ये मूवी क्या कमाल करने वाली है, क्योंकि शाहरुख खान के सामने मूवी आना जो कि वर्ल्ड के टॉप आर्टिस्टों में से एक है, एक्टरों में सुपरस्टार्स में से, सो उनके सामने ये गोडसे मूवी को आना कितना ज़्यादा मूवी को बेनिफिट जाता है या लॉस जाता है। वैसे मुझे जहाँ तक अभी तक तो दिखाई दे रहा है कि लॉस है, बट बॉस कंटेंट इज़ बॉस। सो अगर कंटेंट अच्छा है तो डेफिनेटली वो मूवी कमाल करेगी। सो वो वक्त ही बताएगा, ज़्यादा दूर नहीं है, 25th और 26th। सो देखते हैं उस टाइम पर ये मूवी क्या करती है। जैसे हमने गांधी और गोडसे मूवी और पठान की बात कर ली है, सो मिलते हैं किसी अच्छी मूवी के रिव्यू के साथ या सॉन्ग के रिव्यू के साथ, ट्रेलर ट्रेलर किसी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अपने।